देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन इस वक्त एक मुद्दा बहुत जोरों शोरों से देश की मीडिया में छाया हुआ है, देश की राजनीति में छाया है, और वो है राजपूत बनाम बीजेपी। राजपूत खुलकर बीजेपी के विरोध में आ चुके हैं, वो उत्तर प्रदेश का पश्चिम का इलाका हो या फिर गुजरात का इलाका हो या फिर राजस्थान का इलाका हो, हर क्षेत्र में विवाद अलग अलग है, मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन एक बात जो समान है, जो कॉमन है, वो है कि बीजेपी बनाम राजपूत। और बीजेपी राजपूतों ने कसम खाई है कि जो भी कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को हराएगा उसे ही वो वोट करेंगे। तो इसी बात की तफ्तीश करने के लिए, सच्चाई जानने के लिए आज हम सरधना में पहुंचे हैं, जहां संगीत सोम बनाम संजीव बालियान भी कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि यहां का जो राजपूत समाज है वो वोट नहीं करेगा बीजेपी को। तो इसी सिलसिले में आज बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार, किसान मजदूर संगठन का जिला महासचिव। जी, ये विवाद क्या है, राजपूत बनाम बीजेपी यहाँ सरधना में, या फिर लोकसभा की बात करो तो मुजफ्फरनगर लोकसभा में? ये विवाद केवल मुजफ्फरनगर लोकसभा का नहीं है, ये विवाद पूरे देश का विवाद है। जो बीजेपी के सांसदों द्वारा हमारे राजपूत समाज को टारगेट करके हमारे छत्राणियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ ये लड़ाई आखिरी मोड़ तक ले जाएंगे। मतलब जो पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में बयान दिया, जी हाँ, उससे राजपूत समाज पूरे देश का आहत है। आहत है, और उसको हम बदला लेंगे, उसको जब तक सजा नहीं मिलेगी तो हम चैन से नहीं बैठेंगे, अपनी लड़ाई बीच में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुजफ्फरनगर की अगर बात करूं तो यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ संगीत सोम का और संजीव बालियान का कुछ आपसी मतभेद है, इस वजह से दो गुटों में बटा है। जो संगीत वाला गुट है वो संजीव बालियान को वोट नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा पूरा समाज, यानी कि 99% 1% को तो मैं कहता नहीं, जो किसी लालचवश या किसी कारणवश जो बालियान के साथ जुड़े हुए हों, बाकी 99% राजपूत समाज आज पूरी तरह से बालियान के, क्या पूरी बीजेपी के खिलाफ है, बालियान के खिलाफ। बालियान ने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, हमें रया बताया है कि किसान तो केवल जाट है और ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये रया हैं। हम उन्हें ये दिखा देंगे, बालियान साहब को, मंत्री जी को, कि हम रया हैं, कीड़े मकोड़े हैं, क्या हैं, क्यों अब आ रहे हैं, मतलब इस 24 में, और क्यों राजपूत समाज के पास आ रहे हैं जब कीड़े मकोड़े हैं, रया हैं, क्या लेने आ रहे हैं वो रया के पास में, क्यों परेशान हो रहे हैं? मतलब जो मंच से संजीव बालियान ने बयान दिया था कि किसान मतलब जाट, उसके बाद जो लोग हैं वो मजदूर हैं, रया हैं, हाँ। उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि किसान तो केवल जाट है, बाकी सब रया हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जाट जो हैं वो किसान हैं और कोई बाकी किसान नहीं है। ये तो उनका काफी पहला बयान है। अच्छा, और दूसरे सुनो, उन्होंने राजपूत समाज के किसी भी गाँव में जाकर देख लो विकास का कोई कार्य किया क्या? अब आप ये देखो, 3 साल हो गए, पूरी 24 सी हमारी राजपूतों की 24 सी है, सोमालों की 24 सी है, ये बड़ी नहर का पुल टूटा हुआ है, को गौर करी क्या? दावे करते हैं, मतलब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, एक ईंट भी लगी क्या? अब तक प्रस्ताव भी गया क्या, या क्यों नहीं बना फिर वो? दूसरी बात, कह रहे हैं कि हमने ये सड़क बना दी, वो सड़क बना दी, जो सड़क संगीत सोम के कार्यकाल में बन गई थी वो बन गई थी। आज आप देख लो सलावा शहर सकोती तक इस सड़क में 1-1 फुट गहरे गड्ढे हो रहे हैं, वो उन्हें नहीं दिखाई देती, विकास दिखाई दे रहा? विकास की बात जहाँ तक वो करते हैं, हमारे देखो रेल लाइन निकली थी, जो दौराला से निकल रही थी, चंडीगढ़ की सर्वे हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उसकी हवाई पटरी उखड़ गई, उस विकास की आंधी में वो पटरी भी उखड़ गई क्या? कहाँ है वो रेलवे लाइन, कहाँ है वो नेशनल हाईवे? करते हैं विकास की बातें, करते हैं अपने अपने क्षेत्र में, करते होंगे जाटों के गांव में, करते होंगे विकास, करते हैं, यहाँ तो कोई विकास कार्य नहीं किया, कहीं कोई बोर्ड दिखाते हैं, पूरी 24 में किसी गांव में कोई बोर्ड लगा हुआ उनके कार्य का? तो ये विकास का जो आरोप है आपका, पूरी बीजेपी पर या फिर संजीव बालियान? हाँ, मैं इस सीट की बात कर रहा हूँ, आपने इस सीट के बारे में पूछा है तो मैं इस सीट के बारे में बता रहा हूँ। और रही बात पूरी बीजेपी की, आज राजपूत समाज इतना सुनो 99+99% जो हमारा राजपूत समाज बीजेपी को वोट करता था और तन मन धन से अपने खून से इस पार्टी को सींच कर यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन आज चंद लोगों के बहकावे में आकर, चंद लोगों के उकसावे में आकर इस पार्टी ने जो राजपूत समाज को नेगलेक्ट कर दिया है, बताओ क्या तुक की बात है? लेकिन क्षत्रिय वो क्षत्रिय है, इस पार्टी को और बना सकता है, शिखर पहुंचा सकता है, धरती में बिठा सकता है,
और आप देख लेना इसी चुनाव में कि पार्टी कहां से कहां पहुंचेगी। 400 की बात करते हैं, यूपी में 40 ही ला के दिखा दो ये, मैं मान जाऊंगा। और बालियान तीसरे नंबर पर इस टाइम, आप देख लेना तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। लेकिन जो है संजीव बालियान का कहना है कि वो लाखों वोटों से इस सीट को जीत रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज। हाँ, बालियान साहब का कहना है कि वो लाखों वोटों से जीत रहे हैं सीट को। सपने देखने में अच्छे लगते हैं। पहले दो बार भी जीते हारते हुए आए थे यहाँ से, सरदना विधानसभा से आके जीते थे दोनों बार, अब के पता लग जाएगा उन्हें इस बार। तो मतलब ये मान लें कि विवाद बालियान बनाम संगीत सोम नहीं है, नहीं, बीजेपी बनाम राजपूत। हमने अपने श्री राम की कसम खाई है, शाकुंभरी देवी की कसम खाई है, राजपूत समाज जो राजपूत है वो इस बार वोट नहीं करेगा, बीजेपी को नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, किसी बिल्कुल भी किसी भी सूरत में। अब तो चाहे खुद भगवान भी आके कहे, जब नहीं, क्योंकि हमने प्रण लिया है, अब प्रण का मतलब आप समझते हो, और क्षत्रिय का वचन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्रण जाए पर वचन ना जाए, ठीक है। कुछ युवा भी यहाँ मौजूद हैं, क्या कारण क्या है विरोध का? कारण यो है, बीजेपी को फुल सपोर्ट करा हमने पहले, पर उन्होंने स्टार्टिंग में तो कुछ ठाकुर को टिकट हर बार करा, इस बार कहीं से कहीं तक तो कोई टिकट नहीं है। नहीं, 10 टिकट है ठाकुर को, कहाँ है यहाँ यहाँ है पश्चिम, यहाँ नहीं है, लेकिन अब तक जो टिकट बटे हैं उसमें 8 टिकट है यूपी में भी। अजी ये सारी बात पता, जब पहले पंचायत हुई है, राजपूत खड़े हुए हैं, पूरा समाज खड़ा हुआ है, उसके बाद उन्होंने ये काम करा है, उससे पहले उन्होंने कुछ नहीं करा। उससे पहले राम मंदिर बना है, राम मंदिर में आपको बताओ कितने क्षत्रिय ऐसे थे जिन्होंने अपनी कसम खा रखी थी, सौगंध ले रखी थी, किसी ने खाट का त्याग कर रखा था, धरती पर सोते थे, कोई चप्पल नहीं पहनते थे, जिन्होंने पगड़ी नहीं पहननी बहुत टाइम तक, जितने हमारे रामलला नहीं आएंगे। उसके बाद जब दान की बात हुई, क्षत्रिय समाज पूरा अड़के खड़ा हुआ, किसी ने अपनी सारी संपत्ति बेच के लगा दी, सब दे दिया, उसके बाद उसमें ट्रस्टी बने हैं, अगर उसमें एक भी ट्रस्टी ठाकुर हो कहीं भी, कहाँ है फिर अगर ठाकुर समाज, कहीं आप इज्जत करोगे ही नहीं। असल मुद्दा क्या है? टिकट कटना राजपूतों का असल मुद्दा है, राजपूतों का जो अपमान हो रहा है देश भर में वो असल मुद्दा है, पुरुषोत्तम रूपाला का बयान वो असल मुद्दा है, क्या असल मुद्दा? ये सारे असल मुद्दे, या फिर जो एक मिहिर भोज का आपका विवाद है, गुजर प्लस राजपूत का वो विवाद है, वो भी विवाद है, जितने भी हमारे साथ हो रहे हैं। अब हमारा इतिहास है, जो हमारा इतिहास हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पहले जुड़ा हुआ है, अब तुम लोग क्या कर रहे? अब तुम अपनी सरकार में हो तो तुम हमारा इतिहास भी छीन रहे हैं हमारे से, हमारे पास बची क्या रखा? हमारा तुम इतिहास भी हमारे से ले रहे कि वे भी गुज्जर प्रतिवोज गुज्जर बना दिए, अब तुम कहोगे कुछ दिन बाद कि महाराणा प्रताप भी गुज्जर थे, ये जाट थे, तो मतलब हम क्या हैं फिर? नहीं, मतलब अगर कोई कहेगा तो वो बदल तो नहीं जाता ना इतिहास, बदल ये तो बोर्ड लगवा रहे हैं, ये सत्ता में है, ये कहीं भी इनको भी चलो यहाँ मूर्ति स्थापना करते हैं, वहां बैठा गुज्जर समाज वोट लगा दिया, बताओ तो कहने से बदल थोड़ा रहे। पर अगर गवर्नमेंट बदलती है तो फिर तो बदलेंगे, हर जगह बोर्ड लगा रहे हैं तो बदलेंगे, हमें पता है सच्चाई क्या है, पर आने जाने वाला आदमी जो हमारे दूसरे भाई हैं, दूसरी बिरादरी के भाई हैं, वो की चीज का बोर्ड लगा हुआ पढ़ेंगे, उन्हें तभी तो पता चलेगा। अच्छा, आपको याद है जब योगी आदित्यनाथ एक प्रतिमा का अनावरण करने गए थे नोएडा के गांव में, वहां गुजर लिखा हुआ था, उन्होंने हटवा दिया था उस वक्त, उन्होंने वहां पे वो हुई थी टेपिंग उस टाइम उनके सामने, उनके जाने के बाद वो द्वार से वहीं ऐसा ऐसा ही था। हम मानते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ करते हैं काम, पर उनसे नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं, इधर हैं, उधर हैं, हमारे हम योगी जी के विरोधी नहीं है, हम उनके समर्थन में हैं, पर बात तो यह है ना कि उन्हें भी तो कोई कार्य नहीं करने दे रहे सही से, वे भी खुल के नहीं आ सकते ना मंच में। कौन? योगी जी? योगी जी, मोदी जी कार्य नहीं करने दे रहे? मोदी जी नहीं, बीजेपी सरकार जो है वो बस ठाकुर समाज को दबाना चाह रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, तमाम आरोप है यहाँ युवाओं के भी, क्या नाम है आपका? बहादुर सोम। आपका क्या जो है मानना है? विकास का ये जी सारा कारण, विकास का। हाँ जी, दिक्कत तो ये यहाँ तो कह रहे हैं लोग अपमान का मामला है, अपमान का भी है जी, सारे मुद्दे सारे हैं जी। अभी मैं शाहपुर से तितावी के लिए एक पटरी जा रही है, नहर की पटरी, वो प्रेस की बन रही है, हमारे यहाँ एक रजवाया, इस पर सारे कावड़ यात्रा चले, इस पर चार तसले जो है नी, इस पर मसाला जब कावड़ चलेगी, जब चार तसले रोडी ला के घेर दे, और इसमें गड्ढे ऐसे हो रहे, पेट में दर्द हो जाए। सरकार का तो दावा है कि कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करवाई जाती है, जो दिखावटी पुष्प वर्षा है, वीडियो बनवा दी अपना न्यूज में, इस पर पटरी पर देखो यही है। योगी आदित्यनाथ करते हैं खुद? हाँ, पुष्प वर्षा करते हैं, योगी आदित्यनाथ का विरोध नहीं, तो सपोर्टर है उनके, अभी कह रहे हैं कि दिखावा है, नहीं ये काम तो पटरी पे चल रहे हैं, फूल थोड़ी चल रहे हैं, फूलों पे थोड़ी चल रहे हैं, चलना तो पटरी पे है, इस पे नहर की पे, वो काम नहीं करवा रहे हैं। गड्ढे देखो इसमें जा। चलिए, क्या नाम है आपका? हरिओम सोम। हरिओम सोम, आपका क्या जो है मानना है, क्या विवाद है जी? क्या नाम है? विकास ठाकुर। विकास ठाकुर जी, आपका क्या विरोध है जी? हम तो अपने समाज के साथ है, जैसे हमारा समाज कर गया ऐसे है जी। समाज कैसे कर रहा है?
विरोध है जी बीजेपी का। क्यों जी? समाज की बेइज्जती करी जा रही है। बीजेपी का विरोध है? हाँ जी। या कैंडिडेट का विरोध है? बीजेपी का भी विरोध है, कैंडिडेट का। देशव्यापी बीजेपी का विरोध? हाँ जी। खुल गया जी। कारण? कारण जी समाज का वो कर रहे जा रहा है अपमान मारे। पुरुषोत्तम रूपाला ने जो कहा, हाँ जी, मकराना की जो गिरफ्तारी हुई, ये सभी पगड़ी उछाली जा रही थी ठाकुरों की। अच्छा, राज शेखावत की पगड़ी का जो मामला था वो भी काफी जो है सुर्खियों में रहा, वायरल भी हुआ। उसके बाद महिपाल सिंह मकराना जो है वहाँ अहमदाबाद भी गए, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। पत्रकार महोदय, बात ये है कि राज शेखावत की पगड़ी उछाल कर तो इन्होंने एक लास्ट मोमेंट दे दिया कि अब हमारी बर्दाश्त से बाहर है राजपूत समाज। अब पगड़ी उछालते के साथ देखो बात किसी हद तक सीमित तक सकता है बर्दाश्त राजपूत समाज, लेकिन जब बात पगड़ी पर आ जाएगी ना तो उसके बाद में तो फिर वो भूल जाएगा कौन सामने बीजेपी और कौन सामने बालियान और कौन क्या है। फिर कोई पार्टी मायने नहीं रखती। राजपूत समाज जब खड़ा हो जाता है, पगड़ी पे बात आ जाती है, तो वो मरने मिटने के लिए भी तैयार है, मिटाने के लिए भी तैयार है। अच्छा, बीजेपी का जो है राजपूत को कट्टर समर्थक माना जाता है, कट्टर वोटर माना जाता है, कि राजपूत अगर कहीं जाएगा तो वो बीजेपी के पास जाएगा। और बातें ऐसी भी कही जाती हैं उत्तर प्रदेश में भी और देश भर में भी कि अगर बीजेपी का कोई नेता किसी और पार्टी में भी है तो उसका शरीर जरूर हो सकता है किसी और पार्टी में, लेकिन उसकी आत्मा बीजेपी में रहेगी। उसके बावजूद भी इतना विरोध जो हो रहा है, उसका असर क्या होगा देशव्यापी? कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाता है ना तो वो नुकसान देता है। अभी सभी पार्टी को ये पता लगा था, बीजेपी को ये था कि ठाकुर तो उनका पक्का वोटर है, चाहे तो इसको कुछ ही कर लो, ये वोट बीजेपी को देगा। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, इसके नतीजे अब 4 तारीख में जब आएंगे तो आप देख लेना, इनको पता लग जाएगा कि राजपूत समाज क्या कर सकता है। जी भाई, ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है, अभी चुनाव के टाइम का विवाद नहीं है। बहुत दिन पहले, अभी साल डेढ़ साल पहले, एक मंजू शिवाच करके मोदीनगर से विधानसभा से MLA वो करती हैं, उन्होंने हमें बताया था राजपूत तो बीजेपी के चमारे दरी बिछाने का काम करते हैं, ये दरी बिछावा है। उसके बाद इसी तरह से बीजेपी के नेताओं के अभद्र भाषण चलते रहे, राजपूत समाज में चिंगारी सुलगती रही, आज वो चिंगारी विस्फोट बन गई क्योंकि अब बात पगड़ी पर आ गई है और समाज को पूरी तरह नेगलेक्ट कर दिया। जबकि एक बात बताओ, आप किसी के लिए पूर्ण समर्पित हैं और वो आपको कुछ ना समझे, बिल्कुल आपके निहायत अपमान करने लगे और उसकी वो पगड़ी भी जो एंड में आके पगड़ी भी उछाड़ दे, तो फिर आप क्या करेंगे? कोई भी समाज, कोई भी जाति, देखो बात जब हद से ज़्यादा गुजर जाती है तो फिर मरने कर मारने के अलावा कुछ नहीं बचता। अब मारने का तो कोई ये तलवार तो चल नहीं रही है, लेकिन जिस तरह से शिखर तक इस बीजेपी को राजपूत समाज ने अपने खून पसीने से सींच कर यहाँ तक पहुँचाया ना, वही राजपूत समाज इस बार पूरे देश में इसे बीजेपी को अलग है। तो जैसे आपने कहा कि खून से सींचा, तो ये समर्थन था या समर्पण था? समर्थन और पूर्ण समर्पण दोनों चीज़ थी, लेकिन इस बार उन्होंने हद कर दी और इस बार राजपूत ने मन में ठान लिया है कि इस बीजेपी को सफाया करेंगे और जो राजपूत मन में ठान लेते हैं उसे पूरा करते हैं, राजपूत वचन का पक्का होता है। अभी यहाँ कहना लोगों का जो है, क्या नाम है आपका? लोकेश जी के पूर्ण समर्थन भी था और समर्पण भी था, लेकिन ठाकुर पूरण सिंह जो इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका अगवा है, जो इसके आंदोलन के, उनका कहना है, मैंने खुद उनसे बात की, उनका कहना है कि ये बीजेपी को समर्थन था, समर्पण नहीं था, और वो समर्थन अब हम वापस लेते हैं। भैया देखो, ये तो पहले से ही राजपूत समाज जो है दबाया जा रहा था, अब ये थोड़ा सा ठाकुर पूरण सिंह ने अपनी मेहनत करी, उन्होंने इसे जगाने का काम करा, अब से पहले ये मान के चलो राजपूतों ने मांगा ही क्या है सरकार से, बीजेपी से या किसी से भी, आज तक मांगा क्या, इन्हें क्या मिला? आरक्षण बताओ, SC Act, और ये सब चीज़ राजपूत समाज को मिली। अब तक राजपूत समाज ने किसी तक कुछ नहीं मांगा था, अब जो इनमें थोड़ी सी राजनीति में जो भाग्यदारी थी वो भी इनकी खत्म करी जा रही। क्यों करी जा रही बताओ, क्यों करी जा रही? तो इसके लिए अब थोड़ा सा राजपूत समाज जाग चुका है, अब किसी के भकावे मारने का। अच्छा, योगी आदित्यनाथ यहाँ खुद आए, राजधाना गाँव में खुद आए, उन्होंने खुद जो है लोगों से अपील की कि आपके जो पर्सनल विवाद हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हें साइड में रखिए, देश के लिए वोट करिए। उसके बावजूद भी नहीं, हम तो योगी के लिए ही सोच रहे हैं। अब हम योगी के लिए ही सोच रहे हैं, ये तो सबको साइड पर करते हुए जा रहे। योगी तो अपने उस पर दम पे बैठे, इस पर कोई इनके उसमें थोड़ी बैठे, इन्हें तो मैं कब कभी हटा देते।
ये तो अपने दम पे बैठे, तो योगी की बात मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं, योगी जी तो हमें कोई, और योगी जी आपके यहीं आकर कह के गए कि वो वोट दीजिएगा, हैं जब योगी जी का चुनाव आवेगा तो योगी जी को सिरोधार्य करके योगी जी को जहां आज मुख्यमंत्री हैं कम से कम वहां तक तो रख के रखेंगे। कोशिश हमारी होगी कि प्रधानमंत्री पद के पहुंचाऊंगे योगी जी को 29 के बाद। हाँ जी, बीजेपी को चीज कहीं ना कहीं इसी बात की है कि योगी जी का वर्चस्व बढ़ रहा है और वो ठाकुरों का वर्चस्व बर्दाश्त नहीं करते बीजेपी के लोग। बीजेपी का शीर्ष नेता जो है वो योगी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इसी तरीके से वो राजपूतों को नीचे गिरा के योगी की टांग खींचनी चाह रहे, लेकिन राजपूत समाज योगी को सिरोधार्य रखेगा और हैं। तो यहाँ योगी जी का बात का विरोध नहीं है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का विरोध है और विरोध खुलकर है, तल्ख लहजे में है। क्या नाम है बाबूजी आपका? जिले सिंह। जिले सिंह, आपने राजनीति बहुत लंबी तरीके से देखी होगी, कांग्रेस का शासन भी देखा होगा, बीजेपी भी देखी होगी, लेकिन अब जिस तरीके का समाज विरोध कर रहा है उसका क्या जो है देशव्यापी असर होगा और उसका फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पूरा पड़ेगा भाई। ये जो राजपूतों के लिए इनकी अनदेखी हो रही है इसका असर पड़ेगा, पूरा असर पड़ेगा। अच्छा अब ये बताइए, पहला शासन अच्छा था, ये शासन अच्छा है? शासन ये अच्छा है पर इसके कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे बड़े नेता हैं उन्होंने आदेश कर दिया छोटों के लिए, छोटे कुछ नहीं कर पा रहे। जैसे हमारे यही मंत्री जी हैं बालियान, हमारे पुल की अनदेखी कर ली, 100 वर्ष के दौरान जा लिए लोग, कभी पुल के लिए ठीक जी बाइक पटड़ी नहीं जी। बताइए सर, मेरा नाम सेठ सिंह राणा है, मैं जनरल कास्ट के लिए आरक्षण की बात करूंगा सरकारी नौकरियों के बारे में। सरकारी नौकरियों में मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं एमए बीएड हूं, टेट भी मैंने किया है, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी इस कारण नहीं मिली कि मैं राजपूत कुल में जन्म लिया है मैंने, मैं जनरल हूं, एक पॉइंट से मेरी नौकरियां, मेरी नौकरी मुझे नहीं मिली, मेरे 91.7% की मार्किंग लगी थी टेट के बाद जब मैंने एग्जाम दिया था एलटी ग्रेड का, और 33% जो एसटीएससी मेरा मतलब था उसे नौकरी दे दी गई। मेरी कमी यही तो है, मैं राजपूत समाज से हूँ इसीलिए मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया गया है, और 33-34% जो एसटी ओबीसी जो भी इनकी जो जनरल कोटा है उन्हें नौकरी दे दी गई। नहीं देखिए, आरक्षण की जो व्यवस्था है वो आज की व्यवस्था नहीं है, आज की वो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी तो व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था तो है। मैं ये मानना कि राजपूत कुल के लिए लड़का पढ़ता है और मेहनत करता है, मेहनत पे मेहनत करता जा रहा है, तो उसकी कमी है कि उसे जनरल कास्ट में नौकरी नहीं मिलने की, इस वजह से नहीं मिलने की, वो पढ़ता नहीं है। राहुल गांधी का तो 2024 में जो घोषणा पत्र में आरक्षण और बढ़ाएंगे, किस बारे में सर? आरक्षण इसमें तो जैसे बीजेपी खत्म है ये भी खत्म हो जाएगी। हम उसे सपोर्ट करेंगे जो हमारे हक की कहेगा, हमारे लिए असेंबली में बोलेगा, हमारे लिए खड़ा होकर कहेगा कि भाई इनकी ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो राजपूत कुल में जन्म ले रहा है, जिनके पास 5-5 बीघे जमीन भी नहीं है, और हम अपनी मेहनत के दम पे उन्हें पढ़ा लिखा के हम इस काबिल बना सके, हमारे पे 5 बीघे जमीन है, क्या 5 बीघे जमीन में ये बच्चे अपना भविष्य तय कर पाएंगे? एक 33% का जो लड़का है वो SDM बन जाएगा, इस वजह से बन जाएगा कि वो उस स्कूल में जन्म ले रहा है। ये गवर्नमेंट जब इसमें असेंबली में हमारे लिए कोई बोलने वाला ही नहीं रहेगा, उसे दबा दिया जाएगा। क्या अगर मैं अपने कैंडिडेट को जिता के और उससे ये कहूंगा जी हम तुम्हारे साथ हैं और हमारे हक की बात करो वहां पे, ऐसे क्या ये लड़ाई है हमारी? ऐसे कुछ नहीं है कि योगी और मोदी क्या ओबीसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, मोदी से जब जाके पूछो इस चीज को, आपने ओबीसी के लिए क्या क्या किया है? 52 कैटेगरियां ओबीसी में ला के खड़ा किए हैं, 52 कैटेगरी। ये धोबी ये पहले उसमें थे ना, ये भी ओबीसी में लागू किए हैं इन्होंने। असेंबली में खड़ा होकर एक चीज बताओ, असेंबली में जब विपक्षी नहीं होगा, MSMLE में जब विपक्ष ही नहीं होगा तो जैसा भी कानून ये बनावेंगे, इन्हें कौन है बोलने वाला और कौन मने करने वाला? एक आधा सांसद किसी का जीत के जागा तो उसे हम कहते हैं यहाँ बैठ जा। तो 303 सीटें जो 2019 में दी वो इस देश की जनता ने ही दी,
और विपक्ष को अगर 52-55 पर लेकर आया तो वो भी इसी देश की जनता थी। समझा नहीं सर, मेरा कहने का मतलब यह है कि जनरल कास्ट की जो राजपूत हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जनरल कास्ट में ब्राह्मण भी है, बिल्कुल मैं अपनी नहीं बात कर रहा, बनिया भी है, जैनी भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, और भी तो जनरल कास्ट में है। क्या इनकी मतलब यही इस एक कड़ी में लगा दिए गए कि भाई तुम जनरल कास्ट के व्यक्ति हो और तुम्हें इसी वजह से सरकारी नौकरी नहीं मिलने की? क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वो जनरल कास्ट में नहीं है, उनके मंत्री नहीं है, लेकिन इन आदमियों को दबा दिया जाता है जो वो करते हैं। तो मतलब मूलतः आपका विरोध है कि जो पुरानी व्यवस्थाएं थी कांग्रेस वक्त में, 10 साल बीजेपी को हो गए, उन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया जी, ये मैं मान लूं। हाँ। मूल तौर पे दूसरा ये चीज कहते हैं ओबीसी, जनरल कास्ट, ये अल्पसंख्यक, ये राजपूत वो चीज है, सबको साथ लेकर खड़ा कर दे, सबको साथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मौजूदा जो विवाद है राजपूत बनाम बीजेपी उस पर, राजपूत बेनाम मतलब ये सबसे बात। हाँ, बीजेपी से हमारा बिल्कुल खत्म कहानी है, लेकिन हम योगी जी आने वाले टाइम में उनके साथ रहेंगे और खड़े रहेंगे, जो हमारी हक की बात करेगा हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ, जो हक की बात करेगा उसके साथ होंगे जी। बताइए, जहां तक आरक्षण वाली बात है, जब आरक्षण का समय पूरा हो गया था तो इन्होंने दोबारा से आरक्षण लागू क्यों करा? वो भी कांग्रेस के टाइम में ही लागू किया गया। नहीं 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 नहीं, बीजेपी ने लागू करा जी, बीजेपी ने दोबारा लागू करा, दूसरा समय बढ़ाया है, जब इसका समय पूरा हो गया था आरक्षण का, दोबारा से क्यों? एक बात बताओ आप, जो इतने समय तक भी जिसके ये समानता की बात करते हैं, पहली बात तो इनके विचार ही समानता के नहीं है, किसी को समान लाने के विचार ही नहीं है, जो बड़ों को छोटे, छोटों को बड़े क्या कर सकते हैं? जो अब तक आरक्षण में बड़ा नहीं हो पाया वो अब हो जाएगा पूरा क्या? जबकि संविधान में जो आरक्षण का टाइम था वो पूरा हो गया, इन्होंने दोबारा क्यों करा? ठीक।